गुड मॉर्निंग गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नाउन फ्रेज। आज हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज होता क्या है। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन एंड अ फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें नाउन रहता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। नहीं समझ आया, देखिए फिर से। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें नाउन होता है और वो जो नाउन होता है एंड फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, वो नाउन या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। अंडरस्टैंड, इतना क्लियर हो गया। अब आपको एग्जाम्पल्स में देख के आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, फ्लैक फॉगेट फॉगॉट जीजीज बर्थडे, फ्लैक जीजी का बर्थडे भूल गया, जीजी इज बर्थडे। देखिए नाउन है फ्लैक फॉगॉट, ये वर्ब हो गई आपकी, ये वर्ब है जीजी इज बर्थडे। ये जीजी तो नाउन है ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनिमल थिंग, तो दिस इज अ नाउन। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो इसीलिए ये नाउन फ्रेज हुआ। माई मदर मेड डिलीशियस चॉकलेट कुकीज फॉर अस, मदर ऑफकोर्स ये बात है नाउन फ्रेज है क्योंकि मदर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ओके। और कुकीज इज अ नेम ऑफ अ थिंग, एज इट वर्क एज अ ऑब्जेक्ट, सो इट इज ऑल्सो ए नाउन फ्रेज। द बॉय इन द बैक रो इज ए स्विमिंग चैम्पियन, जो बॉय बैक रो में है, यहाँ बॉय क्यों नहीं हुआ नाउन फ्रेज, क्योंकि बॉय उसकी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जैसे नहीं काम करेगा। क्योंकि देखिए द बॉय इन द बैक रो, जो बॉय पीछे रो में बैठा है, इज अ स्विमिंग चैम्पियन, वो स्विमिंग का चैम्पियन है, तो यहाँ चैम्पियन नाउन फ्रेज होगा। नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को यही बता रहे हैं ना, स्विमिंग का चैम्पियन है, तो चैम्पियन है नाउन फ्रेज होगा। द सिल्वर नेकलेस ऑन द काउंटर लुक्ड अट्रैक्टिव, जो सिल्वर नेकलेस है काउंटर पे, वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो यहाँ सिल्वर नेकलेस की बात हुई ना, नेकलेस इज अ नाउन, इट इज़ अ नेम ऑफ थिंग, सो इट इज़ अ नाउन फ्रेज। थैंक यू।